हाय गाइस, मैं संतोष कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल हैशटैग संतु टेक्निकल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जियो के बाद एयरटेल ने भी एक ऑफर लॉन्च कर दिया अपने यूजर के लिए। एयरटेल की तरफ से एक न्यू फीचर और एक न्यू ऑफर लॉन्च किया गया है सारे यूजर के लिए। चाहे आप एयरटेल के यूजर हो या फिर ना हो, आप किसी भी नंबर से एयरटेल थैंक्स ऐप में साइन इन करके अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर गाइस एयरटेल का पार्टनर बन के अर्निंग किया जा सकता है। एयरटेल की तरफ से सुपर हीरो नाम करके एक ऑफर लॉन्च किया गया। आप एयरटेल का किसी भी नंबर का रिचार्ज करके 4% का अर्निंग कर सकते हो। एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करने के इसके बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करना, सर्च में टाइप करना एयरटेल थैंक्स, ना कि आपको सर्च करना माई एयरटेल ऐप। बहुत कोई क्या होता है कि एयरटेल थैंक्स एक स्थान में माई एयरटेल ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये वाला आपको इंस्टॉल नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एयरटेल थैंक्स ऐप पर पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से। तो लिंक का यूज करके आप इंस्टॉल कर लें। इसके बाद यहाँ से आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना। मैं पहले ही इंस्टॉल कर लिया हूँ इसलिए सिंपली ओपन कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉगिन कर लेना। कोई भी नंबर और OTP डाल के डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। मैं पहले ही से लॉगिन करके रखा हुआ हूँ। तो एयरटेल थैंक्स ऐप खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको मोर ऑफर में क्लिक करना। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ बी ए सुपर हीरो हेल्प समवन रिचार्ज दे नंबर गेट 4% ऑन एवरी रिचार्ज। इसके बाद इनरोल नाउ का ऑप्शन, इसके बाद आपको इनरोल नाउ में क्लिक करना। तो यहाँ से दोस्तों आप सुपर हीरो का फुल डिटेल देख सकते हैं। इनरोल एज ए सुपर हीरो, रीच आउट एंड रिचार्ज, अर्न इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके बाद आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है और इसके बाद सिंपली आपको इनरोल नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना। इनरोल नाउ के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। मैं पहले ही से रजिस्टर्ड किया हुआ हूँ इसलिए यहाँ पर लिख रहा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसके बाद आपको रिचार्ज करने के लिए एरो के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस नंबर का भी रिचार्ज करना है यहाँ पर सिंपली उसको टाइप करना है। सिर्फ आपको एयरटेल के रिचार्ज पे 4% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अदर रिचार्ज आप कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको हर रिचार्ज पे 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद आपको जो भी नंबर का रिचार्ज करना है यहाँ पर टाइप करना। सिर्फ आपको एयरटेल के रिचार्ज पे 4% का डिस्काउंट दी जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हर पैक के साथ आपको 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ 399 का पैक में आपको 16 रुपीस का डिस्काउंट दिया जा रहा था। आपको जो भी पैक का रिचार्ज करना है सिंपली उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको 219 का पैक के रिचार्ज के लिए सिर्फ 210 रुपीस लग रहे हैं। यहाँ पर आपको कैशबैक नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, तुरंत डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा आपको और भी ऑफर दिया जा रहा है। एयरटेल मनी से रिचार्ज करने पर आपको 249, 598 और 698 के रिचार्ज करने पर 40 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा। साथ ही 149, 199 और 219 का रिचार्ज करने पर आपको 20 रुपीस का कैशबैक दिया जा रहा। और साथ ही अगर अदर नंबर का आप रिचार्ज करते हो 149 और इससे अधिक का तो इसमें 25 रुपीस का कैशबैक दिया जा रहा। साथ ही आपको UPI का ऑफर भी दिया जा रहा है। UPI से अगर आप रिचार्ज करते हैं 249, 598 और 698 का तो इसके साथ में आपको 40 रुपीस का कैशबैक दिया जा रहा है। और साथ ही 149, 199 और 219 का रिचार्ज करते हैं तो इसमें आपको 20 रुपीस का कैशबैक दिया जा रहा है। साथ ही आपको पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। साथ ही आप वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं एयरटेल पे पेटीएम के साथ। और साथ ही आप नेट बैंकिंग का यूज करके भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है एयरटेल थैंक्स ऐप में। तो दोस्तों आप रिचार्ज डायरेक्ट होम पेज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो पोस्टपेड, DTH, ब्रॉडबैंड, प्रीपेड, एयरटेल एक्सट्रीम, डोंगल। तो यहाँ से आप इतना सारा रिचार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप होम पेज से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिचार्ज के ऑप्शन में क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और डेटा का रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो भी रिचार्ज करना हो उसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी नंबर पर रिचार्ज करना है यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट होम पेज से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिचार्ज में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, डेटा कार्ड रिचार्ज, जो भी रिचार्ज करना हो उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको मनी ऐड करना, तो इसके लिए सिंपली आप बॉक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ से सजेस्टेड आगे 100 to 100, 500, तो जिसमें भी जो भी मनी आपको ऐड करना उसमें क्लिक करेंगे। सिंपली जैसे हमको 200 रुपीस ऐड करना है तो 200 रुपीस में क्लिक करते हैं। अगर अदर मनी आपको ऐड करना हो तो यहाँ पर अदर में क्लिक करेंगे। यहाँ से जितना भी मनी ऐड करना होगा यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मनी लोड नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप यूपीआई और भी पेमेंट का ढेर सारा ऑप्शन है, तो उससे डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो नीचे आपको मोर के ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैंकिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में क्लिक करना, तो यहाँ से इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप ट्रांजेक्शन का फुल डिटेल देख सकते हैं, किसका किसका रिचार्ज किए हैं, कितना मनी ऐड किए हैं, आपको क्या क्या कैशबैक आया है, तो यहाँ से आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का टेक वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।